बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल है? अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आपका और मेरा साथ ज़िंदगी रही तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए आज हमारे अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी रेसिपी जो आपने कभी पहले ना खाई ना सुनी, तो झटपट और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, आइए हमारे साथ। तो आज हम पकाने जा रहे हैं पालक और कीमा। ये देखें, ये पालक है, ये कीमा है। तो ये मैंने प्याज लिया है, ये टमाटर हैं, ये अदरक हैं, ये सब्ज़ मिर्ची हैं और ये सब्ज़ वो लहसुन है, मैंने चॉप किया हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले हमने पालक को धो के अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। ये देखें, ये अब मैंने इसको, इसमें मैंने कुछ शामिल नहीं किया हुआ, अभी मैंने इसको थोड़ी देर पकने रखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी रेसिपी के साथ आगे जाके हम सारा कुछ आपको बताते हैं आज नई रेसिपी के साथ और बहुत मज़ेदार। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप लोगों का प्यार होता है, और दूसरे नंबर पे हमारे साथ रहिएगा। चलें भी हमारी रेसिपी स्टार्ट। मैंने लहदा रखी हुई है पकने के लिए, तो अब मैं उसमें ये सब्ज़ मिर्च पालक में डालूँगी। ये देखिए, इस तरह ये पालक मेरी फ्राई हो रही है, इसके साथ ही मैंने घी डाल देना है इसको, तो इसको लैदा मैंने फ्राई होने देना। देखिए प्याज मैंने चॉपर में डाल दिए, इसको टमाटर साथ डाल दिए, लीची में डाल दिया है, और साथ उसके ऊपर से मैंने घी डालना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये मेरा प्याज फ्राई हो रहा है। लहसुन और प्याज फ्राई हो रहा है, तो ये मैंने ना कीमा बहुत बारीक वाला नहीं करवाया। ये देखें, इसमें छोटी छोटी बोटी नज़र आ रही है, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का। आप पकाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी। तो ठीक है, ये देखें मैंने इसको ऐसी तरह फ्राई कर लिया। ये मैंने लौंग और दालचीनी पाउडर नहीं है, मैंने थोड़ा सा इसको पीसा है बस, तो चाहे आप हाथों से भी मसल के डाल सकते हैं। ये साथ मैंने, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो ये मैंने साथ नमक डाल दिया है चम्मच, तो ये मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया है, ये मैंने हल्दी डाल दी है। तो आपको पता है कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च बिल्कुल, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाल, ये मैंने कलवंजी थोड़ी सी डाली है, ये मैंने कलवंजी थोड़ी सी डाली है। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। ये नई रेसिपी है जो आपने कभी पहले नहीं खाई। अब इसके आगे भी बड़ी मेन चीज़ें डलने वाली हैं, तो पूरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो कुछ सब्ज़ मिर्च जो मैंने पालक में डाली थी शामिल की थी, और कुछ ये देखें मैं ये इसमें शामिल। मोटा मोटा कीमा, प्याज और लहसुन में फ्राई हो रहा है, मैं तो और चीज़ डाल रही हूँ जो पहले आपने कभी नहीं देखी। ये मैंने मेथी को मैंने करके वो रखा हुआ है, थोड़ी सी स्टीम देखें, तो ये देखें मैंने ये मेथी डाल दी। तो कहा मैं रही हूँ पालक कीमा, तो मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है इसमें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ढक कर लेती हूँ, अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए रखती हूँ। मैंने टमाटर और अदरक को चॉप किया था, ये भी मैंने साथ में डाला। अब मैं ये 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखती और कीमा साथ वो पक रहा है, मैंने थोड़ी सी मेथी डाली थी साथ। अब ये पालक हमारी फ्राई हो चुकी है, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। ठीक है, तो अब मैं एक ज़बरदस्त चीज़ डालने जा रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये मैं डाली हूँ दही, दही के मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। तो
चीज़ें डालनी है, वीडियो को पूरा देखिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, ये देखिएगा ये मैंने दूध डाला है। लास्ट में मैंने जो है एक चीज़ रहती है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़ेदार सा पालक कीमा तैयार हो रहा है। हमने सबक धनिया डाला, बहुत ज़्यादा खुशबू प्यारी सी। और अब ये हमारी पालक और कीमा तैयार है। वाह वाह।